वेलकम टू स्मार्ट शिक्षा एकेडमी। हाल में आप देखे होंगे यूएस के न्यूज़ चैनल्स, यूएस के न्यूज़ पेपर्स लगातार बोल रहे हैं कि भारत पर प्रतिबंध लगने वाला है यूएस का। बस अब तो भारत पर प्रतिबंध लगने ही वाला है, ऐसी खबरें यूएस के न्यूज़ पेपर्स लगातार छाप रहे, पब्लिश कर रहे हैं। आपको पता होगा रूस ने इंडिया को 25% डिस्काउंट का ऑफ़र दिया अगर हम रूस से तेल खरीदेंगे। हमें ये ऑफ़र पसंद आया और हाल में हमने रूस से तेल परचेस किया। इसी पर यूएस में बात चलने लगी कि भारत पर रूस से ऑयल परचेस करने के खिलाफ एक प्रतिबंध लगने वाला है, यूएस प्रतिबंध लगाएगा भारत पर। जबकि आप देखो तो यूरोप के बहुत से देश जो नेटो मेंबर से, वे भी रूस से ऑयल गैस परचेस कर रहे हैं, पर यूएस ने उनको कुछ नहीं बोला और भारत पर ये बात चल रही है प्रतिबंध लगाएगा। रूस एक ऑयल का बहुत बड़ा सप्लायर है, यूरोप रूस से ही ऑयल परचेस करता है ज़्यादातर, अपनी जो ऑयल का ज़रूरत होता है वो रूस से आता है। यूरोप के बहुत से देश, फ्रांस हुए, जर्मनी हुए, ये रूस से ही अपनी ऑयल की ज़रूरत पूरा करते हैं। जब नेटो मेंबर से रूस से ऑयल परचेस कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे? अगर हमें रूस अच्छा ऑफ़र दे रहा है कि 25% आपको डिस्काउंट दे रहे, तो हम क्यों नहीं खरीदेंगे ऑयल? भारत की एक कंपनी है OIC, इसने रूस से 3 मिलियन बैरल कच्चे तेल खरीदा। हम ऑयल बहुत अधिक मात्रा में आयात करते हैं, तो हमें अगर रूस 25% तक डिस्काउंट दे रहा है तो हमें, हमारे लिए तो अच्छा है, क्योंकि अगर रूस भी ऑयल का एक बहुत बड़ा सप्लायर है, अगर रूस को हम इग्नोर कर देते हैं, कोई देश रूस से ऑयल नहीं खरीदेगा तो रूस का सप्लाई बंद हो जाएगा। इससे क्या होगा, ऑयल का प्राइस बहुत बढ़ जाएगा और नुकसान किसको होगा, इंडिया जैसे देशों का नुकसान होगा, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। चलो चाइना, तो चाइना के पास पैसे हैं, उनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, पर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब देशों का बहुत नुकसान होगा। कच्चे तेल का प्राइस $140 पर बैरल तक हो गई थी, लेकिन जब रूस ने कहा हम ऑयल का सप्लाई जारी रखेंगे तो अब देखा जा रहा है प्राइस $100 पर बैरल से भी कम हो गया है कच्चे तेल का। इसलिए हम रूस के कच्चे तेल पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगा सकते, ये बहुत मुश्किल है। भारत इन फ्यूचर और ज़्यादा ऑयल परचेस करेगा रूस से, यूएस ने इस पर बोला कि भारत पर हम कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। यूएस भी जानता है भारत का प्रतिबंध लगाना, भारत पर प्रतिबंध लगा देना, ये यूएस को बहुत महंगा पड़ेगा। भारत जैसा एक देश जिसके इकोनॉमी में बहुत स्कोप है, ये बहुत विकसित होने वाला है, अभी ये विकासशील है भारत, यूएस की बड़ी बड़ी कंपनीज भारत में काम करती है अपनी, और उनकी कंपनी से जो भारत में निवेश करना चाहती है, तो भारत पर प्रतिबंध लगाना यूएस के लिए आसान नहीं है। यूएस को अब ये समझना चाहिए कि यूएस जो बोलेगा सभी देश वैसा करेंगे ये ज़रूरी नहीं है। सभी देश अपने बारे में भी सोचेंगे कि अपने देश की इकोनॉमी को देखेंगे, उनको किस देश के साथ रहने में ज़्यादा उनका देश विकसित होगा। हमें अगर रूस अच्छा ऑफ़र दे रहा है, अच्छे कम सस्ता तेल दे रहा है, तो हम रूस से ही तेल लेंगे। यूएस ने बोला ईरान से तेल मत खरीदो, हमने कहा ठीक है ईरान से तेल खरीदना हमने बंद कर दिया। यूएस ने बोला वेनेजुएला से भी तेल मत खरीदो, हमने वेनेजुएला से भी तेल खरीदना बंद कर दिया। और अब रूस बोल रहा है, यूएस बोल रहा है रूस से भी तेल मत खरीदो। अगर हम 3 ऑयल सप्लाई करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगा देते हैं तो इससे तो ऑयल सप्लाई कम हो जाएगा पूरी दुनिया में, और इससे क्या प्राइस इसका काफ़ी बढ़ जाएगा ऑयल का, और ये इंडिया जैसे देश के लिए तो बहुत नुकसान है। इसलिए अगर रूस हमें सस्ता तेल दे रहा है तो हम क्यों ना खरीदें? तो आप क्या सोचते हैं, क्या भारत को रूस से ऑयल परचेस करना चाहिए या हमें किसी और देश से ऑयल परचेस करना चाहिए जैसा कि यूएस बोल रहा है?
भले ही हमें ज़्यादा प्राइज पे करना पड़े। आप अपना विचार कमेंट्स में लिख सकते हैं, और आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।